प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के यूपी जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी जीके के कुल 40 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने इन 40 क्वेश्चंस में 35 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए, तो आप लोग समझ लीजिएगा यूपी जीके की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के सेशन में पहला क्वेश्चंस, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? बलिया, आजमगढ़, बाराबंकी, बस्ती। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर है वो है बलिया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न, सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है 2 राज्यों की सीमाएं, बी है 3 राज्यों की सीमाएं, सी है 4 राज्यों की सीमाएं, डी है 5 राज्यों की सीमाएं। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो मेरे प्यारे साथियों, सोनभद्र जिले को 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद, मेरठ, शाहजहाँपुर। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में अवस्थित है, तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम बुद्ध नगर। ए ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 7, 8 या 9। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से मिलती है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम फरवरी में आयोजित किया गया था, उसके बाद पेपर लीक होने के कारण पेपर को निरस्त कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जिन बच्चों का पेपर छूट गया था, किसी कारणवश एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुँच पाए थे, लेट होने की वजह से उनको पेपर नहीं देने दिया गया था, जिसकी वजह से उनका पेपर छूट गया था। और बहुत से ऐसे भी बच्चे थे जो किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो वो सभी बच्चे अब एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी। अगर आपको ये चांस मिला है तो बहुत ही ये आप लोगों के लिए शुभ घड़ी है। अच्छे से तैयारी कर लीजिए, सब चीज़ याद कर लीजिए, रिवीजन पर विशेष फोकस कीजिए। जो भी मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहा हूँ, उन प्रैक्टिस सेट को देखते चलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। पंजाब के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति है? बुक्सा, बैगा, खरवार, थारू। सूरजवंशी किस जनजाति की उपजाति? तो मेरे प्यारे साथियों, सूरजवंशी जो है ना, ये खरवार जनजाति की उपजाति है, तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? खरवार, थारू, बुक्सा, सहरिया। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के खरवार जनजाति के लोग कत्थे का व्यापार करते थे, तो ए ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ये जरूर बताया कि यहाँ 40 प्रश्नों में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। आपको आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी है यूपी जीके की। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की वाड़ी में कर्कशता अधिक होती है? खरवार, थारू, बुक्सा, बैगा। उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति की वाड़ी में कर्कशता सबसे अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खरवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश किस जनजाति के लोग खूंखार व वलिष्ठ होते हैं? थारू, बेगा, बुक्सा, खरवार। उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति के लोग खूंखार व वलिष्ठ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? सोनभद्र, ललितपुर, भराइच, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में पहरिया जनजाति का निवास स्थान है सोनभद्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपका सपना है और आपके माँ बाप का सपना है कि आप पुलिस में जाएं, अगर आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और उन्हें एक खुशी देना चाहते हैं, तो आप ये खुशी यूपी पुलिस कांस्टेबल में कांस्टेबल बन के ये खुशी आप दे सकते हैं। जब आप वर्दी पहनकर सामने जाएंगे अपने माँ बाप के, तो उनकी भी छाती चौड़ी हो जाएगी कि हाँ मेरा बेटा पुलिस में लग गया है, तो उनको भी खुशी होगी और दो लोगों से कह भी सकेंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 साल तक कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जो थी आपकी वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है, और अगले 3 से 4 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्ज़ी, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, रिविजन क्लास हमारी देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश में किस वही योजना कब लागू की गई? वर्ष 2002, वर्ष 1972, वर्ष 1982, वर्ष 1992। उत्तर प्रदेश में वही योजना कब लागू की गई? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में वही योजना वर्ष 1992 में लागू की गई, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, तालाब, नलकूप, कुआं। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है नलकूप, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में हैं, सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निम्न में से कौन नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, बेतवा, चंबल, कल्याणी। कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो मेरे प्यारे साथियों, कल्याणी नदी जो है ना, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कल्याणी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बैराज, रिहंद बांध, शारदा बैराज, राजघाट। कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, राजघाट बांध जो है ना, ये बेतवा नदी पर बनाया गया है, तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? लखनऊ, उन्नाव, सहारनपुर, इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जो जिला है वो है सहारनपुर, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ है क्रांति, दूसरी तरफ है संबंधित। कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से होगा, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह
वह कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर प्लांट लगाने वाला बना, ये कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। तो डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, 20वां क्वेश्चन देखिएगा, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन वाला जनपद है? ललितपुर, फतेहपुर, रामपुर, लखीमपुर। अरहर का सर्वाधिक उत्पादन वाला जनपद कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, अरहर का सर्वाधिक उत्पादन वाला जनपद है ऑप्शन नंबर वी, फतेहपुर। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती वाले प्रमुख तीन जिले कौन कौन से हैं? प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर, बी है सहारनपुर, झांसी जालौन, सी है शामली, उन्नाव, मुरादाबाद, डी है बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़। उत्तर प्रदेश में फूलों की खेती वाले प्रमुख तीन जिले कौन से हैं? प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई थी? 1998 से 1999 में, बी है 1999 से 2000 में, सी है 2001 से 2001 में, डी है 2000 से 2002 में। प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश में अन्नपूर्णा योजना जो है ना, 2001 से 2001 में शुरू की गई। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम योजना ये किससे संबंधित है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इनमें से कोई नहीं। वंदे मातरम योजना किससे संबंधित? तो मेरे प्यारे साथियों, वंदे मातरम योजना जो है ना, ये स्वास्थ्य से संबंधित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 24वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थान से सुमेलित नहीं है? कजरी, बनारस, विरहा, कानपुर, होली, ब्रिज, नौटंकी, हाथरस। निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थान से सुमेलित नहीं है? तो विरहा, कानपुर, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 25वें क्वेश्चन की बात करेंगे, 25वां क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये कहाँ पर है? गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला ये लखनऊ में है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, सेशन को अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए मेरे खातिर। लकड़ी के खिलौने को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान किस जिले को उत्पाद के रूप में चुना गया है? अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट, मथुरा। किसको चुना गया है, किस जिले को? चित्रकूट जिले को चुना गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, 27वां, हाल ही में किस जिले के घंटी और घुंघरू उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है? बरेली, मथुरा, एटा, अमरोहा। हाल ही में एटा जिले के घंटी और घुंघरू उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा एटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1947, वी है 1962, सी है 1972, डी है 1950। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरा टेस्ट लगाएगा, पूरे 50 प्रश्नों का टेस्ट है, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगला प्रश्न, शिंगी रामपुर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रामकोट, ललितपुर, कुशीनगर, फर्रुखाबाद। शिंगी रामपुर मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित? तो मेरे प्यारे साथियों, शिंगी रामपुर मंदिर जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, करेला झील उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? खीरी, मथुरा, रामपुर, लखनऊ। करेला झील उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में अवस्थित है। तो डी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, पूजा तोमर अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो पूजा तोमर जी जो है ना, इन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप UFC जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, इनका संबंध उत्तर प्रदेश से। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से किस टाइगर रिजर्व को एक टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को टूरिज्म हब में बदलने का निर्णय लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रानीपुर टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान, बी ए भारतीय पर्यटन विकास निगम, सी है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, डी है इनमें से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में पहली बार पर्यटकों की संख्या का आकलन करने का कार्य कौन कर रही है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर रही है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश की किसी महिला को प्रतिष्ठित अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऋतु करिथल, आरती, दिव्या सिंह, सुधा सिंह। उत्तर प्रदेश की आरती को प्रतिष्ठित अमन क्लोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, आरती। 35वां क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में स्थित किस संस्थान में DRDO की उद्योग अकादमी उत्कर्षता केंद्र की स्थापना की गई है? IIT कानपुर, वी है IIT VHU, सी है IIIT प्रयागराज, डी है MNNIIT प्रयागराज। बताइए क्या आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में स्थित DRDO की उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना IIT कानपुर के द्वारा की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, IIT कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम रखा था बीजी तिलक ने, CR दास ने, दादा भाई नौरोजी ने, महात्मा गांधी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा रखा गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा रखा गया। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था, कहां से आरंभ किया था? तुर्की पर ब्रिटिश आक्रमण के विरुद्ध, वी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के विरुद्ध, सी है मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध, डी है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सो गाइस, 38वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? भिंडी, गाजर, मूली, टमाटर। भिंडी जो है ना, ये रबी की फसल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इनोक्सिया, ल्यूकेमिया, एनेमिया, सेप्टिसिमिया। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? गिटार, बांसुरी, वायलन, सितार। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, वायलन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए यूपी जीके के कुल 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। 50 में आपको 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। तो आप लोगों ने अगर 50 में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा कि यूपी जीके की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं
जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।